सर्व निलंबित सफाई कामगारांना पुन्हा सेवेत हजर करून निलंबन कालावधीतील वेतन अदा करण्यात यावा. वैद्यकीय अर्जित व प्रसूती रजा आवश्यकतेनुसार मंजूर करण्यात यावी. तसेच मागच्या कालावधीतील प्रलंबित रजेचा अर्ज मंजूर करून थकीत असलेले वेतन देण्यात यावे. महिला तक्रार निवारण विशाखा समितीमध्ये महिला सफाई कर्मचाऱ्यांमधून प्रतिनिधी देण्यात यावेत. सफाई कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना शासन निर्णय वित्त विभाग 2017 नुसार लागू करण्यात यावा. यासह इतर मागण्याकरिता यवतमाळ नगर परिषदेसमोर अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने उपोषण सुरू केले आहे. 7 तारीख को हमने पत्र डाला आहे. 31 को पत्र डाला आहे. सब जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी और SP ऑफिस कामगार अधिकारी और पत्र डालने के बावजूद आज 8वां 9वां दिन होने के बावजूद भी आज तक सीओ हमसे मिलने को नहीं होती हुई. तुम्हारी क्या समस्या है? इसके संदर्भ में हमारी जो भी डिमांड है वो सरकार जो निर्देश देती है उसके उपरांत ही जो शासन के GR निकलते हैं उसके मुताबिक भी हमारी GR के अंदर बैठने वाली डिमांड है. और हमने इसके 4 महीने से इस संदर्भ में पाठ पुरावा कर रहे हैं मुख्याधिकारी से. किसी प्रकार का कोई डिमांड के ऊपर बोलने को तैयार नहीं. मुख्य मांग हमारी इस प्रकार है कि हमारी इधर कर्मचारी मरमाने शासकीय छुट्टियाँ का जो है वो सुपर कास्ट को जो होती है सफाई कर्मचारी को मिलना चाहिए. वो छुट्टी के दिन काम कराती 26 जनवरी को काम कराती. लता मंगेशकर राष्ट्रीय शोक था 2 दिन का, उस दिन भी उसने काम कराई. यानी कि यहाँ कैसा है नगर परिषद के अंदर में वो मुख्याधिकारी वीटो, यानी कि यहीं से नगर परिषद खत्म हो जाती. इस ढंग का उसका हमारे संगठन में बर्ताव है. आज हमारे राज्य तक आए बात करने के लिए तो नगर परिषद में नहीं है. ये जितनी भी हमारी 9 डिमांड है जो मांगे है वो जायज मांगे और वो शासन हमको देता है, उसके बावजूद मुख्याधिकारी देने को टाला टाली करते मनते. इसके लिए मीडिया में हमारे तरफ से कुछ तो भी ऐसा लेख आना चाहिए कि शासन के ध्यान में आना चाहिए कि भाई हमारे संगठन में सफाई कामगारों में और सेवानिवृत्त कर्मचारी के संगठन में अन्याय हो रहा है. आपका नाम? राजू मोगरे, अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संगठन, जिला अध्यक्ष.